वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 2 फ्लेमिंगो बुक से लॉस स्प्रिंग के 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर। हु इज द राइटर ऑफ लॉस स्प्रिंग की राइटर कौन है? अनीस जैन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर इन द चैप्टर? लॉस स्प्रिंग में कितनी स्टोरीज हैं? दो स्टोरीज हैं, एक है मुकेश की और एक है साहिब की। ठीक है, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइम राइटर मीट्स साहिब एवरी डे? जो राइटर है वो साहिब से रोज कितने बजे किस टाइम मिलती है? मॉर्निंग में, सुबह सुबह। साहिब बिलोंग टू दिस कंट्री, साहिब किस कंट्री को बिलोंग करता था? बांग्लादेश। कहां से आया था? बांग्लादेश की ढाका जगह से। वेयर डज द राइटर आस्क साहिब टू गो? जो राइटर है वो साहिब से कहां जाने के लिए कहती है? स्कूल जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट, व्हाट वॉज फुल नेम ऑफ साहिब? साहिब का फुल नेम क्या है? साहिब आलम। अकॉर्डिंग टू राइटर डज साहिब नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम? क्या राइटर के हिसाब से साहिब को अपने नाम का मतलब पता है? नहीं पता, नो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का राजा। डू साहिब आलम एंड हिज फ्रेंड्स वेयर चप्पल्स या सैंडल? क्या जो साहिब आलम है और उसके फ्रेंड्स हैं जो रैग कूड़ा करकट बीनते हैं, क्या उन्हें, क्या वो लोग चप्पल पहनते हैं? आंसर है नो, वो चप्पल नहीं पहनते। दिस स्टोरी इज एन एक्सक्रैप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? कौन सी बुक से एक्सक्रैप्ट है? लॉस्ट स्प्रिंग से, जिसमें स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ऐसे ही बच्चों की कहानियां हैं जिसमें जिनका बचपन उनसे छिन गया है। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? इस स्टोरी में जो ऑथर है वो किस चीज को एनालाइज करता है? तो जो ऑथर है वो एनालाइज करता है पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, गरीब बच्चे और उनका जो शोषण है उसको। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग का सेंट्रल थीम क्या है? पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? किस वजह से बच्चे इतना बुरा जीवन यापन कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है। चिल्ड्रन, अगर अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, आई होप कि आपने लाइक कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वॉज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि वो उनके पास कोई काम धंधा तो था नहीं, इसी वजह से वो सर्वाइव कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वॉज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? लेकिन बच्चों के लिए वो गार्बेज क्या है? एक वंडर है। Who was साहिब? साहिब कौन था? साहिब एक रैग पिकर था। रैग पिकर कौन होता है? कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे। Is साहिब happy working at the tea stall? क्या साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश है? No, वो पैसे तो कमा रहा लेकिन उसकी फ्रीडम छिन गई है। Why did साहिब आलम not go to school? वो स्कूल क्यों नहीं जाता था? He had no money to pay fees. उसके पास और उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि फीस दे पाए। Where was साहिब employed? साहिब ने कहाँ नौकरी ले ली? साहिब ने नौकरी ले ली एक टी स्टॉल की, चाय की दुकान पे सीमापुरी में। Why is the author calling garbage as gold in the story? जो author है वो garbage को, कूड़े करकट को gold क्यों कह रहे हैं? Because of its encashment value. आपने देखा होगा कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे लोग होते हैं, ठीक है, और वो फिर उस कूड़ा, उसे garbage को, बोतल वगैरह को कहीं और बेच देते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। What do the boys appears like to the author in the story? जो author को, वो जो लड़के हैं जो कूड़ा करकट बीनने वाले हैं, वो कैसे लगते हैं? Morning crows की तरह, जिस तरह से सुबह सुबह कौए दिखाई देते हैं, birds दिखाई देते हैं, उसी तरह से हर रोज सुबह वो उसे दिखाई देते थे। Name the birthplace of the author. Author का birthplace क्या है? कहाँ पे वो पैदा हुई थी? कोच में। What does the title Lost Spring symbolize? क्या symbolize करता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, के जो बच्चे हैं उनका किस तरह से चाइल्डहुड खराब हो जाता है अगर उनके पास गरीबी है, अगर वो गरीबी में रहे। साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहिब कौन से प्लेस से आता है? साहिब आया था ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका से। व्हाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? क्यों जाता है वो गार्बेज डंप्स में, ठीक है? टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, अ रुपी, अ 10 रुपी, क्योंकि उसे कुछ भी मिल जाता है वहां पर, कभी सिक्के, कोई सिक्का मिल जाता है, कुछ अच्छी चीज मिल जाती है, इन सब के लिए। Why did साहिब leave his house? साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ा? Because of the storm swept over his house and field. क्योंकि उनके घर को तूफान ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। What forced साहिब
टू बी अ रैग पिकर, किस वजह से साहेब रैग पिकर कूड़ा करकट बीनने वाला बन जाता है, बिकॉज ऑफ एक्यूट पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी की वजह से। वेयर इज सीमापुरी, सीमापुरी कहाँ है, सीमापुरी दिल्ली के ईस्ट में है। Why did साहेब लीव ढाका, साहेब ने ढाका, साहेब और उसकी फैमिली ने ढाका क्यों छोड़ दिया था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि वहां पे जब उनके फील्ड्स वगैरह खराब हो गए, उनके घर वगैरह कुछ था ही नहीं, ठीक है। Who are responsible for the poor condition of bangle makers in Firozabad? जो फिरोजाबाद के अंदर जो bangles maker हैं, जो चूड़ी बनाने वाले, उनकी बुरी condition के लिए कौन जिम्मेदार है, parents भी, society भी और bureaucrats भी। So right answer है all of the above. What efforts can help Mukesh materialize his dream of becoming a car driver? कौन से efforts हैं जो मुकेश की हेल्प कर सकते हैं उसका सपना पूरा करने में, वो कार ड्राइवर बनना चाहता है। हार्ड वर्क, गोइंग टू गैराज, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। व्हाट आर द हजार्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, खराब हो सकती है हेल्थ, विजन, जो हमारा विजन है वो खराब हो सकता है और बेकार जिंदगी हो सकती है, राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। Who employs the local families of Firozabad? जो local families हैं Firozabad की, उन्हें कौन employee नौकरी दे देता है? The glass blowing industry, जो glass blowing industry है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कांच का काम होता है, वो उन्हें job दे देते हैं। What is the function of glass blowing industry? जो कांच की industry है, इसका काम क्या है? इसका काम है to mold glass and make colorful bangles, कांच को पिघलाना और उससे रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाना। What makes the working condition of the children worst in the glass industry? जो बच्चे glass industry में काम कर रहे हैं, किस वजह से उनकी जो condition है खराब है? क्योंकि वो छोटी छोटी cells में काम करते हैं। Dazzling and sparkling welding, आपने देखा होगा जब welding होती है तो उसके अंदर से बहुत light निकलती है, जो कि आंखों के लिए खराब है, और वहां बहुत ज्यादा high temperature रहता है। So right answer है all of these. What excuse do the rag pickers give for not wearing chappals? जब वो पोएट राइटर उनसे पूछती है कि भैया तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो वो क्या रीजन देती है? ना तो उनकी मदर उन्हें चप्पल पहनने देती, उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और ये उनके ट्राइब में एक तरह का ट्रेडिशन है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। हु इज मुकेश, मुकेश कौन है? मुकेश एक बैंगल मेकर है। वॉट आर द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू द सिटी इन द लेसन, क्या कारण है कि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, गाँव से शहर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि गांव में स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, क्योंकि जो उनके खेत हैं, उनके घर हैं, वो स्टॉर्म से, तूफान की वजह से सब उड़ गए, खराब हो गए। व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री टू फिरोजाबाद टू मोर, जो वर्कर हैं वो इतनी गरीबी में क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज, कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, राइट आंसर है इन सब की वजह से। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट, किसके लिए फेमस है? वो फेमस है बैंगल्स के लिए, चूड़ी बनाने के लिए। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री का है? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम अदर, मुकेश का एटीट्यूड दूसरे फैमिली मेंबर से अलग क्यों है? क्योंकि वो डेयरिंग है, फर्म है, और बिल्कुल क्लियर है कि मुझे कार ड्राइवर बनना है, कार मैकेनिक बनना है। वॉट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में जो सर्वाइवल का मीन क्या है? रैग पिकिंग, कूड़ा करकट बटोर के। What is Mukesh dream? Mukesh का dream क्या है? To be a motor mechanic, एक motor mechanic बनना। What change did Anish Jung see in Saheb when he saw him standing by the gate of the neighboring club? जो Anish Jung है, जो writer है इस lesson की, उन्होंने क्या changes देखे Saheb में जब उन्होंने neighboring hood में club के पास उसे खड़े देखा? उन्होंने देखा As if lost his freedom, उसकी freedom खो गई थी, lost ownership और lost joy, जब वो चाय की दुकान पे काम करने लग गया तो उसकी ये सारी चीजें अब कहीं खत्म हो गई थी। Which of these reactions, So last question का answer तुम मुझे दोगे comment section में। Who is the writer of Lost Spring? A, B, C या D? I hope मेरी ये 10 मिनट की explanation जिसमें हमने 50 MCQ किए हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो please video को like कर देना। इसी तरह से अगला video लेके आऊंगा आपके लिए, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।